ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं गेम के अंदर आ चुका हूं एंड आप लोग जो लास्ट वाले एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसे मैंने गाइस अपना 13 या 12 हजार डॉलर का मतलब कि मैंने पूरा क्लॉथ को खरीदा था और पूरा बेच करके बेनिफिट कमाया था। बट आज के डेट में मैं गाइस अपना एम्प्लॉयज को हायर करने वाला हूं जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहां पे एम्प्लॉयज हायर करने का, तो मैंने एक एम्प्लॉयज को तो हायर कर लिया गाइस जो कि 50 लेवल पे था, ठीक है। और उनका यूनिफॉर्म भी एक मस्त सा बनाता हूं, तो एक वीमेन का यहां पे है, बढ़िया सा डिजाइन यहां पे डेकोरेट करा। जो मेरा एम्प्लॉयज रहेगा वो यहां पे मेरा कपड़ा पहनने वाले, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके बना दिया, इवन स्टोर नाम रख दिया हूं। तो गाइस एक मेन का भी सबसे पहले मैं यहां पे डिजाइन करने वाला हूं, तो मेन का डिजाइन मैं करता हूं भाई, पता नहीं मैं कैसे डिजाइन करने वाला हूं। चलते डिजाइन करने के लिए, और ये हो जाएगा गाइस ऊपर का, ठीक है। और एक मैं नीचे का येलो रख दूंगा, ठीक है। और बीच का मैं आसमानी कलर का रखूंगा, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन एक और कलर मेरा बीच में जाएगा ब्लू, नहीं सही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। एक एवियन स्टोर नाम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूंगा लाइक, एंड उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सुपर, ठीक है, मतलब एक स्टिकर लगा देते हैं, सुपर वाला स्टिकर लगा देंगे। तो ये स्टिकर को मैं यहाँ पे नीचे में रखने वाला हूँ, इसका साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। स्टिकर का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एंड ये हो गया। एक और स्टिकर हम लोग ऐड करने वाले जो कि ये वाला था ना, शायद ये वाला था, ठीक है। हाँ। तो ये गाइस हो गया मेन का, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब बाद में इसको अच्छे तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे। बट हाँ, अभी मैंने देखो गाइस इसका मैंने बना दिया है। चलो गाइस, तो मैंने अभी मस्त इसका पेंट कर दिया है, ठीक है, अपने डिजाइन कपड़े, ठीक है। बट इसको एक अच्छा लुक देंगे बाद में, अभी तो फिलहाल जैसा है वैसा सही है। और गाइस सबसे पहले मेरा दुकान पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़े से मतलब जो सामान है मेरे, इसको मुझे उठा उठा के जहां तहां रखना भी है, क्योंकि जितना मैंने लास्ट टाइम अपने दुकान को अपग्रेड करा था, तो दैट्स वाई इसका थोड़ा सा ना एरिया इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो मैं फटाफट से रख देता हूँ। मुझे इम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा चाहिए जो कि काम करे मेरे लिए अच्छे खासे, क्योंकि मुझे काम करना पसंद नहीं भाई। मैं जब पूरा हैंडल कर रहा हूँ, मतलब इम्प्लॉइज से काम करवाऊंगा ना गाइस, समझ रहे हो। तो चलो गाइस, मैंने तीनों कॉर्नर पे मैंने ड्रेसिंग मतलब की चेंजिंग रूम भी रख दिया है, और इधर मैंने बहुत सारे चीज रख दिया। चलो गाइस, एक नया ब्रांड भी आज मैं खरीदने वाला हूँ, तो स्टोर नहीं, स्टोर मैनेजमेंट में नहीं, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा गाइस, तो होलसेलर में जाता हूँ गाइस। एंड यहाँ पे एक न्यू ब्रांड हमको बाय करना जो कि यहाँ पे ओरबन चिका है, ठीक है। तो लेट्स गो, इसमें कौन कौन से कपड़े आने वाले। एक और यहाँ पे ब्रांड हुआ है गाइस, यहाँ पे भाई इतने सारे एक और ब्रांड खुल चुका है। तो गाइस टोटल मैंने आज 3 ब्रांड को बाय करा हूं, और इसके रेट वगैरह आप लोग देख लो कितने ज्यादा बिकने वाले भाई। तो इसको मैं काम करता हूँ, एड टू कार्ट, 1, 2 और 1, 2 एंड 1, 2, सारे के 2-2 जोड़े मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। तो 15 मैंने यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। चलो भाई, तो मैंने पूरा यहाँ पे मतलब कि पूरा पैसा का वाट लगा लिया है, मेरे पास सिर्फ 1000 डॉलर बचा है। और आप लोग देख सकते हो गाइस कि पूरा आइटम यहाँ पे आ करके पड़ा हुआ है गाइस। तो फटाफट से अभी इसको अपने सेल में सजाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर सेल में नहीं रखूंगा तो भाई बिकने से रहा, ठीक है। तो फटाफट से मैं लाता हूँ गाइस, इसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्या ही कर सकते है भाई। बूट्स भी है, मैं बूट भी सेल कर सकता हूँ। एक काम करते, मैंने बूट का तो खरीदा ही नहीं हूँ, फर्नीचर बूट का खरीदो यार। बूट रखने वाला ये गाइस, ये वाला है गाइस शूज सेल्फ। ऑल राइट गाइस, तो ये वाला शूज सेल्फ है, तो इसको मुझे अभी बाय करना पड़ेगा, और भी देख लेते हैं। हाँ, तो गाइस शूज सेल्फ यहाँ पे एक बाय कर लेता हूँ, 2 बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं शूज वगैरह ही बाय कर बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये गाइस फैंटास्टिक हो गया, कहाँ पटक के गया भाई। हेलो, ऑल राइट, ये तो सबसे ऊपर में होना चाहिए मे बी। भाई इतने छोटे, व्हाट द हेल यार, ये तो गलत बात हो गई। और 2 मैं उठाऊंगा क्योंकि वहाँ पे 2 ही अटने वाला है, ठीक है। तो ये गया गाइस 2, ठीक है। तो ये फ्रंट से अच्छा दिख रहा है ना गाइस, मस्त, मजा मजे ही मजे गाइस, मजे ही मजे भाई। अभी मैंने डे को न्यू डे स्टार्ट नहीं करा, बिकॉज ऑफ कि मैंने जब तक अभी सारे को कपड़े को मैं रख नहीं लेता सेल्फ में, तब तक मैं अपना डे को स्टार्ट नहीं करूंगा। चलो गाइस, तो 1 क्लिक में जल्दी से इसको मैं रख करके आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये मेरा लास्ट स्टॉक है जो कि मैं ला के रख रहा हूँ। बहुत सारे कपड़े भी बाहर ही रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेल्फ इतना है नहीं, ना मेरे पास डॉलर बचे, डॉलर भी 64 डॉलर ऑनली बचा है। तो भाई मैंने अभी जो भी बाय करना था मैंने कर लिया है। एंड गाइस अभी डे का शुरुआत करते, मेरी एम्प्लॉइज भी हायर कर दिया हूँ, तो एंड फॉर नेक्स्ट डे करते गाइस। आज मेरा 20 डे है इस गेम में, सबसे पहले तो इसको ओपन कर देते गाइस। ओपन करेंगे एंड बूम गाइस, अभी कस्टमर की लाइन लगने वाली बहुत ही खतरनाक लेवल से। एक यहाँ पे मेरे को दूसरा एक एम्प्लॉइज भी हायर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि एक जो यहाँ पे कैबिनेट मैंने रखा है, कैशियर रखा है मैंने, तो कैश टेबल तो इसलिए खाली पड़ा हुआ है, तो इसके लिए मुझे अभी एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। जूते वूते को सबको इधर रखा हूँ, जूता जैसे जैसे बिकेगा, अभी टोपी मैंने बाय नहीं करा, टोपी जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे अपना लेंगे। टेंगे टेंगे, अंकल जी आ जाओ, आंटी जी आ जाओ, आ जाओ, सॉरी आंटी ने बोलो,
करूंगा, आप तो भाई क्यूट लग रहे हो। ए स्लो मोशन जल्दी कर, इतना धीरे करेगी भाई, कितना स्लो कर रही है। चलो $100 आ गए, तो गाइस $100 में सबसे पहले तो मैं एक फर्नीचर सेल्फ बाय कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। अबे धक्का मत मार देना मुझे, इसका तो एक खराब लगता है भाई कि रोड पे फेंक करके जाते ये लोग, रोड पे फेंक करके। अबे सॉरी मैम साहब, आप चुन तो नहीं गए इसमें? हेलो सॉरी सॉरी, हाँ मुझे लगा कि आप इधर से निकलोगे क्या, फंस गई क्या? हेलो अबे क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो हटा देता हूँ यार, जाओ यार वो फंस गई थी इसमें। ऑल राइट गाइस, तो $800 हो चुका भाई, पैसे ही पैसे आ रहे। तो एक काम करते गाइस, अभी तो पेमेंट नहीं करने वाला मैं, पेमेंट करते करते मेरी वाट लग जाती है। मैं बुक सेल्फ वगैरह बाय करता हूँ जो कि मेरा काम आएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, लिफ्टिंग रूम भी बहुत अच्छे खासे मैं बाय कर सकता हूँ। कैशियर 1800 का है, नहीं भाई नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। मिरर वगैरह सब कुछ है। ये गाइस बुक सेल्फ तो मैंने बाय कर लिया था, शूज वाला, ठीक है। एक यहाँ पे इसमें ज्यादा अटेगा क्या, एक मिनट में देखता हूँ। अगर इसमें ज्यादा अटेगा कपड़ा तो भाई बढ़िया हो जाएगा। काम करते इसको मैं यहाँ से रखूंगा एंड पूरा बराबर करके रख दूंगा। कोई कस्टमर लौट तो नहीं रहे ना भाई, वरना दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई ये इसमें भी कस्टमर आ रखे भाई, $2500। ओ माय गॉड भाई साहब, कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। ये कौन सा क्लॉथ था, बिक गया भाई इतना जल्दी? हेलो व्हाट द हेल। एक काम करते ये भांगड़ो चोली रख देता हूँ इसमें, ठीक है। अभी सारे ब्रांड के भाई कपड़े कितना जल्दी खत्म हो रहे हैं भाई, बंदे कर क्या रहे ये, कौन से स्टॉक में कौन से नहीं अभी पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज ऑफ की देख रहे हो यहाँ पे अभी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर दिखा रहे। अब कौन मैंने हैंगर में टांग करके रखा हूँ, कौन नहीं टंगा हुआ है, वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है। जूते बिक रहे कि नहीं पता नहीं चल रहा है, मैंने टोपी भी नहीं लाया, टोपी भी लाना पड़ेगा अभी तो। ऑल राइट गाइस, तो डे एंड होने वाला है और मैं भाई $6000 का बेनिफिट कमा लिया भाई, बहुत स्लो कर रही है। लो तुम्हारे लिए मैंने कपड़े नया लेकर के दिया, क्रेजी हो क्या? क्रेजी भाई, बंदी बहुत अच्छी है, अच्छी काम कर रही है, उसका सैलरी मैं डबल कर दूंगा। चलो भाई लोग, तो अभी तो मेरे सारे कस्टमर जा चुके, एक भी कस्टमर नहीं है और $6000 का आज के डेट में बेनिफिट हुआ। चलो नेक्स्ट डे पे चलते फटाफट से भाई। सबसे पहले ना मुझे कैटेगरी को बांटना पड़ेगा क्योंकि मैंने जितने सारे कंपनीज लिया है उतना ज्यादा मुझे कैटेगरीज को बांटना पड़ेगा। तो अभी मैं सबसे पहले यही करूंगा कि अपना कैटेगरी बांट लेता हूँ, ठीक है। कि एक एक ऐसे बनाता हूँ ना कि एक तरफ मेरा रहेगा लक्स लाइन, एक तरफ रहेगा कोई और ब्रांड, एक तरफ कोई और ब्रांड, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगा इसमें। ऑलराइट गाइस, तो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं फाइनली गाइस अपने शॉप को गाइस डेकोरेट कर लिया, क्योंकि पहले जो मेरा शॉप था मतलब जहां तहां कोई भी ब्रांड के कपड़े रखे हुए थे और मुझे पूरा फुल कंफ्यूजन होता था कि कैसे अरेंज करूं, कैसे कपड़े को अरेंज करना है, बहुत सारी दिक्कत होती थी। बट गाइस अब मैं एक कैटेगरीज बना लिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कितने सारे कैटेगरीज बने हुए। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरीज बनाए। एक तो यहाँ पे एलेगेंजा ब्रांड का कपड़ा हो गया, दूसरा यहाँ पे विस्टा स्टाइल का कपड़ा हो गया, लक्स लाइन का एक यहाँ पे रॉ हो गया कॉलम हो गया, अर्बन चिक का भी एक ब्रांड हो गया, और बीच में अभी नहीं भरा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 5 ही ब्रांड के कपड़े हैं और एक ब्रांड का यहाँ पे जूता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला चिक क्रेज ब्रांड का कपड़ा है। तो गाइस सारे कपड़े को मैंने डेकोरेट कर लिया और ये मेरा काम को बहुत ज्यादा इजी कर देने वाला है, ठीक है। तो चलो गाइस आज के डेट में मैं अपना शॉप को खोल लेता हूँ फटाफट से एंड देखते इसकी क्या होता है कैसे होता है, जल्दी जल्दी मेरे कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड भी डाल देता हूँ। और गाइस मैंने अभी तक का सारे पैसे मतलब कि लगा दिए गाइस, ठीक है। मैं सारे पैसे, मेरा ऐड चलाने तक का भी पैसे नहीं है, देख सकते हो $164 ही ओनली बचे है। तो जल्दी जल्दी अभी कस्टमर आएंगे और मैंने अपना एम्प्लॉय भी हायर तो कर ही लिया था, तो जल्दी जल्दी आएंगे और कपड़े वगैरह बेचेंगे। बस ये मुझे ध्यान रखना है किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही कपड़े लेने में, वरना मैं तो जगह छोड़ करके बनाया हूं ताकि बंदे लोग अंदर जा भी पाए, लेकिन लेट सी कि क्या होता है। यस गाइस अंदर जा पा रहे हैं और यही मेरे को चेक करना था, और वैसे अगर नहीं जा पाते तो दिक्कत हो जाती। चलो भाई तो अभी वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये कौन सा कपड़ा है? ओके चीज क्रेज का कपड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। इसको मैं अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। फैंटास्टिक जी सर, ये वाला मैंने बस शॉप के लिए लगाया, देख लो अब उधर से जा करके लो, ठीक है। ये इधर अबे देख के कुछ और आ रहा, ले कुछ और रहा है, भूतनी का पागल बना रहे ये लोग। हेलो देख के कुछ और आ रहे ले कुछ और रहे हैं भाई। अभी मेरे को ना बहुत ही अरेंजमेंट बहुत आसान हो गया, मतलब कि कपड़े अब बेचना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। आइए मैम आइए आइए आइए। और चलो गाइस अभी मेरे पास डॉलर हो चुका है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एड कल ही एड चलाएंगे क्योंकि आधा दिन तो ही पार हो गया गाइस, एंड कल ही एड चलाएंगे फटाफट से, मॉर्निंग में एड चला देंगे और जल्दी जल्दी बिकेगी, मजा आ जाएगा भाई। हेलो लो 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 सर, लो 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 जैकेट लिया भाई ने, रेड टी शर्ट भाई पहन के आया है। हेलो मैम साहब रास्ते से हट जाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अबे कौन सा सोल स्फीयर वीमेन बूट, व्हाट द फक, ओ माय गॉड गाइस सोल स्फीयर का एक बूट नहीं है, ठीक
ठीक है। तो एक काम करते गाइस, इसको ना मैं खरीद ही लेता हूँ। रुको, एक मुझे सबसे पहले तो बाय करना पड़ेगा शूज वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। एक ही बाय करते, ज्यादा नहीं करेंगे। ऑलरेडी पहले एक कस्टमर को अटेंड कर, भाई कितने सारे आइटम को बाय करा इसने, नाइस वन जी जी। चलो गाइस, तो मेरा अभी यहाँ पे आ चुका है, गाड़ी रख करके भाग गया भाई। और एक यहाँ पे है ना गाइस, तो इसको मैं रख देता हूँ, लाइक यहीं पे रख दे देंगे ना भाई। जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं अभी। तो मैं देख लेता हूँ गाइस, यहाँ पे सोल्जर मेन का है ना, वीमेन का मुझे रखना है, तो वीमेन का ये वाला होना चाहिए मे बी। ठीक है गाइस, तो यही था, ठीक है, कि मेरे जल्दी जल्दी बिकेंगे। ठीक है, अभी मैंने सारे अरेंज कर दिया। वो कितना स्लो काम कर रही है, मैं कर दू क्या? हेलो, इतना स्लो काम क्यों कर रही है, कस्टमर लोग भड़क जाएंगे भाई। ठीक है, अभी सारे कपड़े अच्छे से है भाई। भाई यहाँ तो भी लाइन लगी पड़ी है। वाह यार, मेरा दुकान चमक गया भाई, मेरे दुकान चमक गया। अभी गाइस $164 था, अभी आप लोग देखो $3,000 इंस्टेंट में हो गया है भाई साहब। ए हेलो, फिल्टरिंग रूम, लोल फिल्टरिंग रूम भाई भरा पड़ा है। ठीक है, फिल्टरिंग रूम का भी कुछ करना पड़ेगा। फिल्टरिंग रूम भाई तीन तीन है, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है क्या भाई? ये तो गलत बात है। फिल्टरिंग रूम मैंने इतना रख रखा है, फिर भी यू हैव टोटल 100 कस्टमर आ चुके मेरे दुकान पे, क्या नॉट एनफ फिल्टरिंग रूम? भाई फिल्टरिंग रूम की दिक्कत हो रही है भाई लोग, फिल्टरिंग रूम। अब मैं क्या करूँ फिल्टरिंग रूम का? फिल्टरिंग रूम बाय कर दूं क्या मैं? रुको, मैं बड़ा वाला फिल्टरिंग रूम ही बाय कर देते हैं। ठीक है, ये रहा गाइस 1, 2, 3। भाई ज्यादा महंगे नहीं फिल्टरिंग रूम गाइस, काम करते 2 ही बाय कर देता हूँ। हेलो ट्रक ड्राइवर, फेंक करके जाता है भूतनी का। तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन मारूंगा भाई, तू मेरे कपड़े को फेंक करके जाता है। भाई साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, जगह ही नहीं। आई ये कैसे रख दिया मैं? ठीक है, अभी के लिए ऐसे रखते है। पता नहीं लोग अंदर जाएंगे और पहने बदलेंगे कैसे, बट देखते रहा देखते अब तक उनका जिम्मेदारी भाई, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो ये लास्ट कस्टमर थी आज की डेट में, और ये भी मेरा जा चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ गाइस, कि अपना मिला लेता हूँ कि कौन कौन कपड़े हैं कौन कौन कपड़े नहीं है। तो ये वाला इसमें थोड़ा सा कमी पड़ रहा है, ठीक है, इसमें रख दिया मैंने। ऑलराइट, और भी पीछे भी और थोड़ा सा कमी है। तो भाई अभी तो पैसे भाई धुन के रख दूंगा मैं, अच्छे खासे पैसे धुन लूंगा। और भी देख लेता हूँ मैं, भाई ये कपड़े क्यों फेंक करके जाते हैं नूब, ये लोग कपड़े फेंक करके जाते मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको मैं इस वाले में रख देता हूँ भाई। कपड़े बहुत ही जल्दी बिक गए भाई। ऑलराइट, तो ये एक टॉप है गाइस, तो टॉप को मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत। ऑलराइट, तो मुझे थोड़े शॉपिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कपड़ा का भी डीएंडिंग हो रहा है गाइस, तो झेलना तो पड़ेगा। ये कौन सा कपड़ा है भाई? जहाँ से उठाते वहाँ नहीं रखते, फेंक फाक के जाते भाई। ये देखो, ये जूता उतर इधर किसने फेंका? भूतनी का बम से उड़ा दूंगा मैं। ये देखो, ये सारे कपड़े कौन फेंके भाई? ओ भाई, ये कौन बदमाश है भाई? ये भाई, ये देखो सारे कपड़े फेंके पड़े हैं, बहुत हार्ड सीन हो जाएगा। ये तो लक्स लाइन का कपड़ा है, ठीक है, लक्स लाइन। तो एक मेरा इसमें जाएगा, और एक मेरा है चीज क्रेजर, इसमें जाएगा, और ये इसमें जाएगा। ठीक है, अभी अरेंजमेंट भाई बहुत आसान हो गया भाई, मजा आता है भाई। चलो भाई, तो मैंने अरेंजमेंट अभी कर लिया, फिलहाल के लिए कपड़ा घटेगा ना गाइस, तो अगले डेट में मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, आज मेरा प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट डे और भी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चलो गाइस, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करते, एंड आज के डेट भाई अनेबल टू फाइंड प्रोडक्ट 8, हाउ इज पॉसिबल भाई? अच्छा, शूज की वजह से लौटा होगा यार, शूज की वजह से लौटा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो न्यू डे स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक बाय कर लेते गाइस, एवियन कपड़ा बाजार यहाँ पे आ चुका है, मेरा एड चल चुका है। अभी भाई कपड़े का लूटा मारी होने वाला है यहाँ पे भाई, बहुत ही जल्दी बिकने वाले, बट भाई क्या ही कर सकते हैं, अभी बिकेंगे नहीं बिकेंगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, जैसे लेवल इंक्रीज होगा गाइस, मैं अपना जो स्टोर का एरिया है इसको भी इंक्रीज करने वाले हूं। तो अभी 90 लेवल में एरिया अनलॉक होने वाला है, जो कि मेरा फिल्टरिंग रूम का आसान हो जाएगा ना। फिल्टरिंग रूम का अभी जगह नहीं बच रहा, देखो मैं ऐसे में कैसे जाएगा बंदा अंदर, मुझे नहीं पता, बट कैसे भी जाए मुझे क्या, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे रख दूंगा ताकि ऐसे चला जाएगा। ठीक है, चला जाना भाई लोग, देख लेना यार, अभी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई, कस्टमर की लाइन लग पड़ी है गाइस। एंड मैं थोड़े से कपड़े का देख लेता हूँ, कुछ कुछ घट तो नहीं रहा इधर, सारे स्टॉक में तो दिखा रहे, सब कुछ है। ये वाला अभी जो वीमेन स्वेटर है गाइस, इसको मैं 2 स्टैक बाय कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ओनली 8 दिखा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। और अरे भाई, ये क्या मैंने बाय करा था, मैं भूल गया प्लेस करना उसको। ठीक है गाइस, तो इसको मैं यहाँ पे जा करके रख देता हूँ, और बाकी के मैं इसमें रख देता हूँ, और बाकी का जो बच रहा है इसको मैं नीचे रख देता हूँ। फिल्टरिंग रूम बाय करा था, बट फिल्टरिंग रूम के लिए अभी जगह नहीं है, तो एक काम करते, इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, बाद में, अबे गिर क्यों गया? हेलो, ये मैंने वॉल खरीदा था, वॉल तो अभी काम की चीज नहीं भाई, तो ये फिल्टरिंग रूम मैं बाद में यहाँ पे अरेंज कर लूंगा। ठीक है, कस्टमर एक और मुझे एम्प्लॉई हायर करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, बिकॉज ऑफ की ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे को सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। सोल स्पेयर बूट नॉट अवेलेबल, भाई कौन सा बूट है, सोल स्पेयर वीमेन बूट यार, ये तो
दिक्कत हो रही है भाई। सोलस्फेयर वीमेन वीमेन बूटी, ये वाला है क्या? ये वाला तो मैंने रखा हो यार, ये वाला तो मैंने रखा है, ये देखो रखा तो हूँ भाई। कैसे बोल रहे कि नहीं है, पागल है क्या ये लोग? मैंने रखा हुआ है यार, पता नहीं वो अंधे है कि पता नहीं क्या है, बट मैंने रखा हुआ है। और गाइस आज मैं थोड़ा सा पेंट भी करूंगा, ठीक है, अपने ऑफिस को थोड़ा सा पेंट करके अच्छे कलर को अच्छे कलर में करने वाला हूँ, जो कि सही रहेगा। चलो गाइस, तो मेरा 18 लेवल यहाँ पे हो चुका है, कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। और मैं कपड़े वगैरह देख लेता हूँ, कुछ घट तो नहीं रहा, ये वाला घट रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस करो। ऑलराइट, और भाई इस अगले दिन मुझे शॉपिंग अच्छा खासा करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत ही गंदे तरीके से घट रहा है सारे आइटम, तो भाई शॉपिंग तो अभी करना पड़ेगा मेरी जान। बट यार एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो है ना अर्बन चिक का बहुत ही कम बिक रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा लक्स लाइन का बिक रहा है, और उससे भी ज्यादा यहाँ पे एलेगेंजा का बिक रहा है और विस्टा स्टाइल का बिक रहा है। बट जो बड़े बड़े ब्रांड के मतलब वो थोड़े से महंगे भी तो है ना, इसीलिए कस्टमर ले नहीं रहे ज्यादा। ओके भीम साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लक्स लाइन मेन टी शर्ट एक्सपेंसिव भाई, पागल है क्या भूतनी का, महंगे लग रहे इसको लक्स लाइन का टी शर्ट। रुको मैं देख लेता हूँ, मैं स्टॉक मैनेजमेंट लक्स लाइन का कहाँ गया, लक्स लाइन का मेन टी शर्ट था ना, लक्स लाइन ये रहा गाइस टी शर्ट, और ये 55। अच्छा चलो भाई 50 कर देता हूँ, ठीक है, साड़ो थोड़े से महंगा करो, नहीं कि इनको वाट लग जाती है भाई, बोलते महंगे दे रहे हो यार, रिपोर्ट ना मार दे मेरे दुकान के लिए। चलो भाई कपड़े वगैरह तो बिक रहे भाई, ये भी कपड़ा नहीं बिक रहा है क्या, विस्टा स्टाइल का ये कपड़े का मैंने ज्यादा रेट रखा है क्या, ये बिक नहीं रहा, तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। 55, ओ भाई साहब, तभी सोच रहा हूँ कि ये बिक क्यों नहीं रहे जल्दी। इसको बेचने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि ड्रॉप रेट रेट को ड्रॉप कर दो, बस जल्दी जल्दी बेचना है। तो भाई मैं तो काम करूंगा कि जो प्राइस जितना मैं उतना ही मैं बेचूंगा, उससे क्या होगा ना मेरे को बेनिफिट होगा कि जल्दी जल्दी बिकेगा। लाइक मैं एक और चीज यहाँ पे देख लेता हूँ, किसी किसी के कपड़े का 66, भाई ये रेट कैसे बढ़ रहा है, मैं तो नहीं बढ़ा रहा हूँ। चलो 62 कर दिया इसका मैं, तो ये चीज तो परफेक्ट हो गया गाइस। एंड अभी के डेट में मेरा शॉप का पूरा वाट लग चुका है, सारे कपड़े बिक गए गाइस। तो चलो अभी थोड़े से मैं इसमें रख देता हूँ कपड़े और भी सारे, ठीक है, और बाकी के मैं देख लेता हूँ यार, सारे कपड़े होने चाहिए भाई स्टॉक में, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर कपड़े नहीं मिलेंगे तो। बंदे लोग बोलेंगे क्या ही मैनेजमेंट है भाई, कपड़े तो मिल ही नहीं रहे। अभी ये बिकेगा क्योंकि विस्टा स्टाइल का थोड़ा सा कपड़े का रेट ज्यादा था, इसलिए नहीं बिक रहा था, बट अभी बिकेगा। और लक्स लाइन के तो अच्छे खासे बिक रहे हैं, लक्स लाइन के जो कपड़े थोड़े बहुत मैं इधर को रख देता हूँ सजा करके। तो चलो गाइस अभी देख लेते हैं कौन कौन सा कपड़े मेरे पास नहीं है। तो ये रहा गाइस ये दो स्टैक, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, और जूते को तो नहीं बाय करूंगा यार, जूता उता फालतू है, वैसे मुझे बाय करना चाहिए यार। चलो भाई तो ये परफेक्ट हो गया, 22 22 22 छह स्टैक, ये अर्बन चिक का छह ही पीस है कपड़ा का, भी दो स्टैक इसका ही बाय कर लेते, एक स्टैक इसका ही बाय कर लेता हूँ मैं, और बाकी यहाँ पे एलेगेंजा का ये जो भी बोलो वो है, और ये लक्स लाइन का भी बहुत ही जल्दी बिक रहा है, लक्स लाइन का मैं 3 स्टैक ये बाय कर लेता हूँ, ये जींस बहुत ही जल्दी बिका है लक्स लाइन का, ठीक है। तो इतना काफी गाइस परचेस करते हैं, एंड बूम गाइस मेरा गाड़ी आ चुका है, अब बस इसको मुझे प्लेस करना है और जल्दी मिलते हैं। चलो गाइस तो फिर से मैंने सारे कपड़े को स्टॉक में डाल दिया है, एंड लेट्स गो न्यू डे पे चलते गाइस। एंड मेरा आज 24 डे चल रहा है और 6 कस्टमर अनेबल टू फाइंड एनीथिंग एक्सपेंसिव टू गया है, ठीक है भाई, ये सब चीज को ही मैनेज करना पड़ेगा, वरना कस्टमर जितने लौटेंगे ना मेरे दुकान का वैल्यू उतना ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो दैट्स वाई मुझे इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और बंदे को ले दे करके चलना पड़ेगा। लक्स लाइन का ये कपड़ा कहाँ से उठा के फेंका भाई लोगों ने, यहाँ से, ठीक है। सोलस्फेयर मेन बूट, दिस प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अबे नूबड़ो इधर को आ जाओ यार, इधर को आ जाओ, इधर सारे जूते मैंने सजा रखे हैं यार, ये लोग कैसे हैं बे? एक बंदा तो आके ले रहा है, दूसरा बंदा नहीं आ रहा है भूतनी का, शायद लग रहा है इस बूट का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा क्या दोस्तों, ये अंधे लोग है कि पता नहीं क्या है। देखो जूते सारे इधर पड़े हुए हैं, इनको मिल नहीं रहा, देखो देखो अच्छे से लो, वाइफ के लिए ले जाओ, अपने लिए ले जाओ अपने लिए तो ये कपड़ा नहीं जचेगा, बट जिसके लिए ले जा रहे हो ले जाओ। अरे दीदी उधर कुछ नहीं, अच्छा मुझे लगा यार उधर वेयर हाउस में जा रही है, मैं एक चीज भूल गया हूँ भाई, महाकसम ये वाला काउंटर पे कोई नहीं है, मेरे सारे कस्टमर लौट के चले जाएंगे क्या, $10,000 हो चुका है मेरे पास। ऑलराइट, कोई ऐसा कपड़ा नहीं घटना चाहिए जो भाई मेरे कस्टमर डिसअपॉइंट हो एंड गालियां दे करके जाए कि कपड़ा नहीं रखता है। ये देखो इसमें भी सारे बंदे कपड़े को छोड़ देते हैं, पता नहीं ऐसे क्या दुश्मनी निकालते हैं मेरे से, कपड़े को ऐसे तैसे करके भाग जाते हैं। ओ विस्टा स्टाइल इधर है, लक्स लाइन इधर को है, और विस्टा स्टाइल इधर है, और ये तो जाएगा इधर को। कपड़े तो ऐसे बिक रहे ऐसे बिक रहे ऐसे कि मार्केट में वो लूट मार नहीं होता वैसे हो रहा है भाई
दिन गार्डन गार्डन हो रहा है भाई, न्यू डे स्टार्ट। देख रहे हो डे भी बहुत जल्दी एंड हो जाती है। और कुछ चाहिए सर? इधर भी है। अरे भाई साहब इसका लुक तो सलमान खान है भाई। तेरे नाम हमने किया है। सलमान खान ना भाई आज मेरे शॉप पे आए थे। हेलो सल्लू भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे दुकान से शॉपिंग करके? अरे रुक जाओ। हेलो सर, अरे बिग फैन हूँ आपका। हेलो सर, सर सर बिग फैन हूँ सर। ऐसे मत यार धोखे कसम यार, इसका बदला लूंगा मैं, बदला लूंगा गाइज। चलो गाइज एंड अभी तो मेरा एंड हो चुका है, बस लास्ट कस्टमर थी वो भी चली गई है। तो चलो गाइज एंड आज के डेट में मैंने बहुत सारे बेनिफिट कमाए और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी चीजें करने वाले, और भी लेवल अप करेंगे। बट हाँ नेक्स्ट वाले एपिसोड में थोड़ा सा मैं ग्राइंड करके आने वाला हूँ। लाइक अभी मेरा डे 24 चल रहा होगा, मे बी डे 25, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगा डे 40 में मिलूंगा या फिर 30 में मिलूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन ग्राइंड कर लूंगा तो मैं ज्यादा बेनिफिट भी कमाऊंगा एंड थोड़ा सा शॉप वगैरह भी अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ठीक है? और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं अपना दुकान को पेंट भी करने वाला हूं, कुछ अच्छा सा लुक देने वाला हूं, ठीक है? तो चलो गाइस आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल है पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।